आज क्या है? हेलो भाई, आप तो फनी मार रहे हैं। अरे हाँ, आज तो सैलार है यार, लेकिन आज कुछ तो है। हेलो भाई, आज तो ऑडिशन है। अरे हाँ, आज तो पहला ऑडिशन है। धीरे धीरे मैं ऑडिशन देने आई हूँ। यस, क्या समझ रही थी यार? अरे मैं तो भूल गई थी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज खुशबू। रुको, क्या हुआ? इनविटेशन नंबर इधर। 3, 2, 1 एक्शन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज खुशबू, आई एम स्टडिंग क्लास 9। कहा था तू? सामने खड़ा था। सामने खड़ा होकर क्या कर रहा था? ऑडिशन की तैयारी कर रहा था। सामने खड़ा होकर कोई ऑडिशन की तैयारी करता है? मैं तेरे जैसे लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। तू तो कह नहीं सकती है। अच्छा, बाहर खड़े होकर कोई ऑडिशन की तैयारी कर? क्या मैं मच्छर मार रहा था? उधर देखना, तेल में मच्छर मार के रखे मैंने। देखो, आके चाबे नहीं है, घुस रहे ना टूटते में। चल, मैं तो सोच रही हूँ कि अब एनुअल सेमिनार पास आने वाला है। अबे उसको भी 3-4 हफ्ते है, आज ऑडिशन है, ऑडिशन के बारे में बोल तो ठीक रहेंगे। हाँ ठीक है, तो चल अपन डोमिनोज चलते हैं। डोमिनोज की स्पेलिंग बोल जरा। एक काम करते हैं, KFC चलते हैं। KFC का फुल फॉर्म बोल। चल, समोसे ही खा के आ जाते हैं। 10 रुपये काम हो जाएगा। चल चल यार। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कुछ, मेरे इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, गधा तनाई में क्या महसूस करता है? पहले गधा तनाई में क्या महसूस करता है? हंसता है सर। कोई जल्दी नहीं, ये लिख लीजिए, आप गधे बन चुके हो। कोई जल्दी नहीं है, महसूस कर लो फिर बता देना। ओह माय गॉड, चलो ठीक है। सुना है आशीष जी, आपकी मुस्कुराहट पे लोग हंसते हैं। ये चेहरे पे आ गई। हाँ है ना, कभी हमारे लिए भी आओ। एक दिन टाइम निकाल के आ जाना। चूहे बहुत हो गए हैं यार। हो गए तो कुछ भी नहीं है। सही में? यस। पता है रिकी का भी सच का सामना। पता है मेरे को बोलने देती है कभी भी? शट अप। रितिका जी, सच का सामना, हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? आपने भिखारी के कटोरे में से चिल्लर चुराना छोड़ दिया, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, जल्दी तो आंसर ना। ना हो ना ना, चुराते तो थे यार, तुम चुराते अभी भी हो। हाँ बोला, क्या गलत बात? तो यार बात तो चले यार, बहुत मजाक हो गया। जो मैं बोलूंगा, पता है ये जो बैठे ना आशा दीदी, यहाँ बैठी वो हिना दीदी है, वो सब वो देखा, उनको उनको ध्यान देना। वो हिना दीदी पहले स्कूल जाती थी हा? तो उनके टीचर ने बताया कि एक टाइम कुतुब मीनार दिल्ली में था, दिल्ली में कुतुब मीनार था। तो उससे अपने को मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, टीचर ने कह दिया दिल्ली में कुतुब मीनार था। तो देना सब बच्चे को देखा इनने, टीचर ने तो ध्यान गई मैडम पे हा? देखा कि सोई हुई है, तो टीचर आज ये कान पकड़ा हुआ खींच के सामने लाया इनको। सामने लाया और पूछा, मैंने अभी क्या बोला कि वो दिल्ली में कुत्ता भी मारे। क्या पुलिस के आगे में हो गया यार? कौन ही ना? नहीं यार, आशा दी टीचर बन चुकी है, पढ़ाने भी जाती है ना सर, आपको ही पता है ना? पता है, है ना? एक दिन आशा दी अपने बच्चों को पढ़ाती है। अपने बच्चों को? अरे बच्चे, स्कूल के बच्चे, मतलब आपके बच्चे। टीचर बनने की सबसे गलत बात, कोई भी आंटी बोल सकता है, कोई भी ना बच्चा बोल सकता है। आशा दी अपने बच्चों को पढ़ा रही है, कभी लड़कियों का पीछा मत करना। बच्चे बोलते हैं ठीक है मैडम। कभी शराब मत पीना। बच्चे बोलते हैं ठीक है मैडम। अपने देश के लिए जान दे देना। ठीक है मैडम। ऐसी जिंदगी जीके भी क्या करेंगे। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, जान ही दे देते हैं। चल यार, बहुत मजाक हो गया है, अब बता देते हैं क्या हो रहा है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज खुशबू, आई एम स्टडिंग क्लास 9। तू 9 पे पहुंच गए सर? एक बार बदबू कब से एडमिशन देने लग गए? इसके प्रिंसिपल का नाम बताओ।
गुड इवनिंग अंकल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय नेम इज खुशबू स्टडी क्लास एंड माय हॉबी इज डांसिंग यहां ऑडिशन चल रहा है डांस की हॉबी अभी कुछ ना यहां पे देखो डेली लाइफ भी बताना है देख यहाँ तो बताओ कि अच्छे तू करते क्या आते नहीं बोलते अच्छा चल छोड़ इसको मैं बोलूंगा हाँ बोल दे देखो मैं बताता हूँ जय श्री राम वो मैं भाइयों के लिए ना जय महाकाल अब मैं आपको क्या बताऊँ मेरा नाम गौरव निगर है ये दीदी को मैं पिछले साल एक साल बर्बाद कर चुका हूँ अब इसका क्या बोलूँ हाँ मेरी हॉबी डांस है तो डांस करना है भूल गया मैं वो देखो तीन जन बैठ के दुक्का बना के क्या कर रहे पता नहीं ओए कुछ समझ में आ रहा है ओए 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 भाई इधर देखो जैसे नाम बोला तो जाप तो सलाम वालेकुम अस्सलाम वही चुनेगा वही चुनेगा सही बोल रहा है चलो छोड़ो तो स्पीच जाती देखो हां आती है मेरे पास ये बोलना बोल हां अच्छा वो बोलना आज बोल तो देना नहीं Good evening to all of you. My name is Khushboo Gaurav. I'm studying class 9 and as you know today we are celebrating function and this function we do many things dance, drama and a special thing about Rambok. We do also Rambok and we do many things and our coaching sir every year organize this function so we should thanks for sir. He every year organize this function and अब कुछ उसके आगे कुछ बुलाना है नहीं ना अभी बुक क्या सबर का फिर मीटर सर टाइम टाइम बढ़ा देना हाँ ठीक चलो सोच लिया क्या रे अरे हंस दे पहले हंस दिया आप सबके ऊपर ही मार दी तो क्या रीति का दीदी बने गई अपनी मंजिल को पाना है तो हौसला साथ होना चाहिए ठीक है अपनी मंजिल को पाना है तो हौसला साथ होना चाहिए अपने प्यार को पाना है तो फक्र साथ होना चाहिए अपने प्यार को पाना है तो फक्र साथ होना चाहिए और हमारे साथ हंसना है तो अपने अपने दांत साफ होना चाहिए गधे की खाई हुई घास है तू बुड्ढे का चमन त्रास है तू इडियट स्टूपिड बकवास है तू बस जो भी है यार झक्कास है तू एक बात बता ना तो अच्छा तो दिख रहा हूँ मैं वाह यार क्या दिख रहा है तू क्योंकि यहाँ पर ना बहुत से लड़के आने वाले वहाँ पे अच्छा लगना चाहिए इतना अच्छा दिख रहा है कि लड़कियाँ तुझ पे ना मरे तेरे को देख के ही मर जाए मैं वो वाला सीरियल देखा है कौन सा वो वाला सीरियल हाँ हाँ देखा है वो दो लड़का लड़की वाला हाँ तू जानता है ना सीरियल को हाँ क्योंकि वो सीरियल देखते ही नहीं मैं बंदर पेड़ पे बैठे हुए क्या सोचता है जो तू नहीं सोच पाती नहीं इतना बता दो बंदर पेड़ पे क्यों सोता है उसको जगह नहीं मिली छोड़ दो यार ये आपका आपसी मामला है बस इतना कि गिरना मत oh my God. क्या हो सकता है बंदर मैंने जवाब नहीं दिया क्या ऐसा है वो गधा बना दिया इधर बंदर बना दिया मेरे को डर अच्छा ठीक है डरना है तो आहट देखो डरना सीरियल सीरियल हाँ डरना है तो आहट देखो 11 बजे आती है ना रोना है तो बालिका वधु देखो नाचना है तो डांस इंडिया डांस देखो और हंसना है तो इसको छोड़ो मेरे को देख लो इसका
बदबू वाला चेहरा देख के समझ देते हैं। चल यार अब एक अच्छी सी शायरी मार। किस पर? किस पर? रिया, रिया पर, रिया पर। इरशाद, 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 इरशाद। आप क्या करते हैं? हम दुआ करते हैं कि खुदा से कि वो आप जैसा दोस्त और ना बनाए। हम दुआ करते हैं कि खुदा से वो आप जैसा दोस्त और ना बनाए। बस बस, एक क्यूट जैसी चीज तो है हमारे पास, कहीं वो भी कॉमन ना हो जाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। डव से नहाकर क्या करना है? कौन नहाएगा? अच्छा यही बता दो, डव से यार कौन कौन सर या कुछ भी डव कौन इस्तेमाल करता है? मैं भी करती हूँ भैया। डव से नहाकर क्या करना है? एक दिन तो सभी को मरना है भाई। डव से नहाकर डव से नहाकर क्या करना है? एक दिन तो सभी को मरना है, अगले जन्म से फिर जॉनसन बेबी से शुरुआत करना। बड़ी खुशी होगी, बच्चे बता गया। अच्छा बता दो, मेरी आवाज अलग लग रही मेरे को? हाँ यार तेरी भी मुझे आवाज अलग लग रही है। पिछले साल में पता है वो चाय बेटा चाय 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 चाय। बस एक दिन मैं बताती हूँ। मैं गौरव, तेरे घर के सामने कोई भक्ति नाम, साइड में भक्ति नाम की लड़की रहती है। सामने रहती है? हाँ वही सामने रहती है। उसके पापा का नाम भगवान है। हाँ तो आपको एक बार की बात बताती हूँ। इसकी मम्मी बोलती है बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया कर। तो ये सोचता है क्या करूँ मम्मी, भगवान की भक्ति में ही मन लगा तो, लेकिन भगवान लगने नहीं देते। आप किसी को बुला ले। आप एक और बार बैठ की बात बताती हूँ। पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। अब तो आपको पता ही है मम्मी लोग तो भैया बहुत एक्सपर्ट है झगड़ा करने में, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? नदी है कि नहीं? नहीं नहीं है, सही में नहीं है। रिया ने बोला, रिया ने। हाँ इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। पत्नी, हमारे गांव में 24 घंटे बोलने वाला रेडियो सबसे पहले मेरे पापा ने लाया। बस अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते पगली, मैं हार गया। जैसे कि ये कोई नहीं समझा। फिर से पत्नी, वाह वाह बोलना भाई, वाह 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 वाह। पत्नी, गांव में 24 घंटे बोलने वाला रेडियो सबसे पहले मेरे पापा ने लाया। मेरे पापा ने लाया 24 घंटे बोलने वाला रेडियो। पति, अपनी माँ की इतनी तारीफ नहीं करते पगली, लो मैं हार गया। चलो अब किसी को बुला लो। पत्नी, अरे तेरी पत्नी को कितनी पत्नी है तेरी आजकल? तुमने सिगरेट, शांत रहा कर, चुप चुप। आजकल तुमने मुझे सिगरेट पीने से नहीं रोकती, ना शराब पीने से रोकती। बात क्या है पत्नी? मेरे को मालूम है। नहीं पति बोलता, बस हो गई। आजकल तुम मुझे सिगरेट पीने से नहीं रोकती, ना शराब पीने से रोकती हो। पत्नी, क्या करूं, कल ही LIC वाले फायदा बता के गए। एक मिनट, चलो बजाएगा। हो गए बहुत मजाक, आप किसी को बुला रहे हैं? सो लेट्स स्टार्ट दिस फंक्शन। डांस की धमाल है, हमारे कोचिंग की शान है, और मिस रिया अग्रवाल है। मिस रिया अग्रवाल, प्लीज कम ऑन द स्टेज, क्लैप फॉर हर। जस्ट टेक योर ट्रॉफी, वो भी नकली वाली। सो धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम। जय श्री राम।